मैनपुरी क्यों बना प्रतिष्ठा का सवाल? क्या गढ़ बचाने की कोशिश में है अखिलेश? क्या मुलायम परिवार में मिट गई दूरियां? समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। अखिलेश यादव सपा के गढ़ मैनपुरी में जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियोस चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ये तस्वीरें सपा प्रमुख अखिलेश यादव, उनके चाचा शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव की हैं। अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल के बीच काफी समय से मतभेद रहा है। शिवपाल ने 2018 में सपा छोड़कर अपनी नई पार्टी तक का गठन कर लिया था। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों साथ आए थे, लेकिन दूरियां कम नहीं हुई। अब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश और शिवपाल के बीच बढ़ती नजदीकियों की काफी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों ने उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में नई चर्चा को जन्म दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या मुलायम परिवार के बीच मतभेद खत्म हो गया है, आइए जानते हैं। दरअसल सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती मंगलवार को सैफई में मनाई गई। इस दौरान पूरा मुलायम परिवार एक साथ दिखाई दिया। कार्यक्रम के दौरान सैफई में भारी संख्या में लोग पहुंचे थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक तस्वीर को लेकर हुई। तस्वीर में शिवपाल सिंह यादव बड़े भाई रामगोपाल यादव का पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्रसपा प्रमुख शिवपाल आगे बढ़कर रामगोपाल यादव के पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। ये वीडियो काफी चर्चा में बना हुआ है। पिछले काफी समय से रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के बीच कोल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद दोनों नेताओं के बीच बर्फ पिघलती नजर आ रही है। इसके पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की तस्वीरें भी काफी चर्चा में थी। पिछले दिनों जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव जसवंत नगर में शिवपाल सिंह यादव के साथ चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, प्रचार के दौरान सपा प्रमुख ने मंच पर ही चाचा शिवपाल के पैर छुए थे। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शिवपाल और अखिलेश की ये पहली सभा थी। इस दौरान अखिलेश यादव ने पहले रामगोपाल यादव के पैर छुए, फिर शिवपाल सिंह यादव से भी आशीर्वाद लिया था। अखिलेश यादव ने 17 नवंबर को सैफई में प्रसपा चीफ शिवपाल यादव से मुलाकात की थी। इस दौरान डिंपल यादव भी अखिलेश के साथ थी। मैनपुरी बना प्रतिष्ठा का सवाल। मैनपुरी लोकसभा सीट को मुलायम परिवार का गढ़ माना जाता है। परिवार ने उपचुनाव में जीत को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। 1989 से ये सीट मुलायम सिंह यादव और उनके करीबियों के पास ही रही है। ऐसे में अब मुलायम सिंह यादव के ना रहने पर अगर ये सीट सपा हार जाती है तो पूरे प्रदेश में इसका बड़ा सियासी संदेश जाएगा। अखिलेश यादव के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 58.5% वोटिंग हुई थी। मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी के प्रत्याशी प्रेम सिंह शाक्य को 94,389 वोटों के अंतर से हराया था। मैनपुरी का समीकरण। मैनपुरी में कुल मतदाता करीब 17 लाख, यादव मतदाता 3.5 लाख, शाक्य मतदाता 1,60,000, ठाकुर मतदाता 1,50,000, जाटव मतदाता 1,40,000, ब्राह्मण मतदाता 1,20,000, लोधी राजपूत 1 लाख के करीब, वैश्य और मुस्लिम 1 लाख के करीब, कुर्मी मतदाता 1 लाख से ज्यादा। 5 दिसंबर को होना है चुनाव। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए 10 नवंबर को अधिसूचना जारी हुई है। 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल हुए और 21 नवंबर नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है। 5 दिसंबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। इस दिन हिमाचल और गुजरात चुनाव के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। मैनपुरी उपचुनाव में अभी कुल 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। सपा की ओर से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव प्रत्याशी हैं। वहीं बीजेपी ने मुलायम के शिष्य रघुराज सिंह शाक्य को टिकट दिया है। रघुराज शाक्य सपा के टिकट पर सांसद और विधायक रह चुके हैं।